दोस्तों, मेरे चैनल इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स बाय सावित्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं गेहूं के आटे से नमकीन पूड़ी बना रही हूं, उसकी रेसिपी आपके सामने लाई हूं। ये जल्दी से जल्दी सुबह फटाफट, अगर यदि आपको कुछ खाने का मन है जो जल्दी बन जाए, तो उसके लिए ये पूड़ी ही जल्दी बन जाएगी नमकीन। ये मैंने जीरा डाल दिया है और आधी चम्मच अजवाइन, उसको क्रश करके डालना है। इसको भी डाल दिया है और दो पिंच हींग, उसे भी डाल दिया। हींग डालने से इसका जायका बढ़ता है। और दोस्तों, ये काला नमक है थोड़ा सा, इसको भी डाल दिया है। ये मसाले वाला नमक, इसको हम मिक्स करते हैं और बाद में इसे इस आटा को लगाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे। दोस्तों, मैंने घी लिया है, आप तेल या बटर आप जिससे भी बनाना चाहें, जो भी इसमें मोहन डालना चाहें आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है, अब आटे में पानी डाल के इसको आटे को हम गूंथते हैं और इसे 5 मिनट के लिए इसे रख देंगे ढककर। इस आटे को हम गूंथ लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलते। दोस्तों देखिए, आटा लग चुका है। इसमें थोड़ा सा हम घी का हाथ ले लगा देंगे इसमें और इसको रख देंगे। इसको रख देंगे, मैंने घी लेके इसमें लगा दिया है। ये 5 मिनट में फूल जाएगा। ये ऐसा करने से इसकी पूड़ियाँ बहुत अच्छी सॉफ्टी बनेंगी। दोस्तों देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, आटा बढ़िया हो गया है। अब इसकी हम पूड़ियाँ बनाते हैं। दोस्तों देखिए, अब बढ़िया हो गया है। ये जल्दी सुबह से जल्दी जल्दी से सबसे जल्दी यही बन सकता है। और इसे बच्चे भी खा लेंगे इसमें, क्योंकि मिर्ची नहीं है दोस्तों। और आप जीरा, केवल जीरा और नमक की पूड़ियाँ बनाना चाहें तो आप अजवाइन आप इसके स्किप कर सकते हैं। यदि आप अजवाइन की बनाना चाहें तो आप अजवाइन की बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों अब हम पूड़ियाँ बनाएंगे। आप इसमें आप टाइट आटे से, जैसे हम पूड़ियाँ पराठे पूड़ियाँ बनाते हैं, ऐसे ही आटा लगा कर आप हल्का सा इसमें सूखा आटा लगा के आप बना सकते हैं। ये फटाफट मिनटों में बन जाएगा। आप इन्हें चाय के साथ भी खा सकते हैं और इन्हें नाश्ते में भी खा सकते हैं। आप कहीं जा रहे हो तो लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं, बच्चों को उनके भी टिफिन में रख सकते हैं बच्चों के। देखिए फटाफट ये पूड़ियाँ बन गई हैं। दोस्तों मैंने ये 4 बेल लिए हैं, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो मैं ये देसी घी से, शुद्ध घी से पूड़ियाँ तल रही हूँ। आप इसे तेल से या रिफाइंड से, वनस्पति तेल से, जिससे आपको तलनी हो उनसे आप तल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यदि आप हाई फ्लेम कर देंगे तो ये बाहर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से कच्ची रहेंगे। देखिए ऐसी फूल रही हैं पूड़ियाँ। देखिए दोस्तों, अब हम एक पूड़ी और डाल देते हैं। दोस्तों देखिए, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों प्लीज़। देखिए दोस्तों, ये पूड़ी कितनी फूली है। देखिए अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और
आपको लीजिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ, ये तैयार हो गए हैं। देखिए दोस्तों, इनको मैं अब प्लेट में लगाती हूँ। देखिए दोस्तों, आप इन्हें चाय के समय, चाय के साथ, या आप सुबह नाश्ते में अचार से भी खा सकते हैं। आपको जैसे खाना हो वो आपकी पसंद है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरा वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।